दिसंबर की छुट्टियों के हवाले से फैसला अभी तक नहीं किया गया। मुरादराज का कहना है यकीनन दिसंबर में कम से कम छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल खुलने के मजीद फैसले आज किए जाएंगे। डॉक्टर मुरादराज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। दिसंबर की छुट्टियों के हवाले से फैसला अभी तक नहीं किया गया। डॉक्टर मुरादराज कहते हैं कि यकीनन दिसंबर में कम से कम छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल खुलने के मजीद फैसले आज किए जाएंगे। डॉक्टर मुरादराज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। वो मजीद कहते हैं कि यकीनन दिसंबर में कम से कम छुट्टियां दी जाएंगी ताकि तलबा की तालीम को जो है वो इसी तरह से जारी रखा जा सके। स्कूल खुलने के मजीद फैसले आज किए जाएंगे। डॉक्टर मुरादराज की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहते हैं कि यकीनन दिसंबर में कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम छुट्टियां दी जाएं ताकि तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सके, तलबा को स्कूल बुलाया जा सके, छुट्टियां कम से कम दी जाएंगी। फिलहाल ये फैसला किया गया है। राजा यासिर हुमायूं ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। एसओपीस पर अमल ना हुआ तो दोबारा बंद कर देंगे। राजा यासिर हुमायूं की जानिब से ऐसा कहा गया है। सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज 15 सितंबर से खुलेंगे। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं का ऐसा कहना था। यूनिवर्सिटीज असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था आपको दिखा दें। को इंशाल्लाह 9th से 10th तक की ऊपर क्लास में यूनिवर्सिटीज़ को तमाम खोल दी जाएंगी और यूनिवर्सिटीज़ को हमने क्योंकि वो एक नॉर्मस बॉडीज हैं उनको एक जनरल गाइडलाइन देंगे ब्रॉडर कि ये SOPs हैं इनको हमें फॉलो कराना है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासेस में डेंसिटी ज़्यादा ना हो और मास्क पहन के आए और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ खुद इम्प्लीमेंट कराएंगी। गवर्नमेंट सिर्फ ये मॉनिटर करेगी कि खुदा ना खास्ता कहीं पर ज़्यादा तो नहीं बढ़ तो नहीं जाएगा कोरोना का, बढ़ा तो फिर उसको उसके क्लोजर का फैसला हो सकता है। तो इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को ये ख्याल रखना होगा कि वो अपने तमाम SOPs भी फॉलो करें और कोशिश करें कि उनकी वजह से ये अच्छा सर जैसे कॉलेजेस के टीचर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके कोरोना टेस्ट होंगे तो इसी तरह क्या यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के भी कोरोना टेस्ट होंगे? ये 15th को इंशाल्लाह 9th से 10th तक की ऊपर क्लास में यूनिवर्सिटी को तमाम खोल दी जाएगी और यूनिवर्सिटीज़ को हमने क्योंकि वो एक नॉर्मस बॉडीज है उनको एक जनरल गाइडलाइन देंगे ब्रॉडर कि ये SOPs हैं इनको हमें फॉलो कराना है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासेस में डेंसिटी ज़्यादा ना हो और मास्क पहन के आए और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ खुद इम्प्लीमेंट करेंगी।
गवर्नमेंट सिर्फ ये मॉनिटर करेगी कि कोरोना का उसका कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, कोरोना बढ़ा तो फिर उसको क्लोजर का फैसला हो सकता है। तो इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को ये ख्याल रखना होगा कि वो अपने तमाम एसओपीज भी फॉलो करें और कोशिश करें कि उनकी वजह से ये। अच्छा सर, जैसे कॉलेजेस के टीचर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके कोरोना टेस्ट होंगे, तो इसी तरह क्या यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के भी कोरोना टेस्ट होंगे? अकमल सुमरू ने हमें ज्वाइन किया है। अकमल सुमरू, बताइएगा क्या कहना था राजा यासर हुमायूं का यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोलने के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए हैं, एसओपीज पर किस तरह से मलदरामद बनाया जाएगा? लास्ट में बड़ी तफसील से बात को मेरे बैठ लाया गया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में किस तरह से कोरोना से मुतल्लिक जो एसओपीज हैं उसका इतलाक किया जाएगा। इस हवाले से वजीर हायर एजुकेशन दादा यासिर हुमायूं ने हम सबसे ये बताया कि यूनिवर्सिटीज को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि हुकूमत की जानिब से जो एसओपीज जारी होंगे क्लासेस में तलबा की तादाद के हवाले से और हॉस्टल्स में तलबा को दोबारा से रिहाइश देने के फैसले के हवाले से उस पर यूनिवर्सिटीज सख्ती से अमल दरामद करेंगी। और उन्होंने बिल्कुल वाजे तौर पर यह कहा है कि यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा के भी कोरोना टेस्ट किए जाएंगे और रैंडम सैम्पलिंग के तहत ये टेस्ट किए जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत के पास से डेटा आ जाए और अंदाज़ा हो सके कि कोरोना से मुतल्लिक जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको किस तरह से इख्तियार किया जा रहा है। इसी तरह राजा यासर हुमायूं का ये भी कहना था कि अगर कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ तो ये दोबारा फैसला किया जा सकता है कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद कर दें। अब 15 सितंबर से तमाम सरकारी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी और 15 सितंबर से इन तालीमी इदारों में क्लासेस का आगाज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉमसेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। यूनिवर्सिटीज और कॉमसेस 15 सितंबर से खोले जाएंगे, सवाल से फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, बड़ा फैसला कर लिया गया है, जिसका था सबको इंतजार, वो फैसला आ गया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। बैन अलसूबाई वज़रा तालीम का इजलास वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अहम फैसला किया गया है और फैसले के मुताबिक हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोले जाएंगे, सवाल में बैन अलसूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोला जाएगा। जी हाँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। एसओपीज पर अमल दरामद भी लाजमी करना होगा, ये भी फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। अहम इजलास हुआ, अहम इजलास में अहम फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है, जबकि आपको बताएं कि एसओपीज पर भी अमल दरामद कराना लाजमी करार दिया जा रहा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एसओपीज पर अमल दरामद करवाना होगा, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया। जी हाँ, अहम इजलास हुआ था, जिसमें फैसला कर लिया गया है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस 15 सितंबर से खोले जाएंगे, एसओपीज पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से फैसला किया गया है कि एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी होगा। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताएगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो 15 सितंबर से खोले जा रहे हैं, स्कूल के हवाले से क्या फैसला हुआ? सलीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें तमाम गुज़रा तालीम जो है शामिल हैं और फैसला इसमें किया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को 15 सितंबर से जो है वो खोल दिया जाए, लेकिन अभी जो है स्कूल के हवाले। ठीक है जुनेद रियाज, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर। मौसम के मुताबिक आज शहर का मौसम जुस्ती तौर पर अबरालू रहने का इम्कान है। मसला अबरालू रहने के शहर के मुख्य मकाम पर बारिश होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मजीद क्या देश है जान के चुने प्यास से। अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात ने आज दिन भर जो है वो मौसम पूरी तौर पर अबरालू रहने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन
महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश के इम्कान जो हैं वो इंतहाई कम हैं। दोपहर के वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकाम पर हल्की फुल्की जो है वो बारिश जो है वो हो सकती है, लेकिन इसके इम्कान जो हैं वो इंतहाई कम हैं। और अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर हवाओं की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से अब गर्मी की शिदत में मामूली इजाफा देखने में आएगा, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आज सुबह के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 67% तक जाने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात ने आइंदा दो रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिससे हब्स और गर्मी की शिदत में मामूली इजाफा देखने में। बहुत शुक्रिया।